तो ये बात हम सब जानते हैं कि WWE के अंदर जो भी रॉयल रंबल जीतता है उसको मौका मिलता है टू मेन इवेंट रेसलमेनिया, यानी कि अपने पसंद के चैंपियन को वो बंदा चैलेंज कर सकता है और द शोज ऑफ द शोज में द बिगेस्ट शो ऑफ WWE में मेन इवेंट के अंदर उसको जाने का मौका मिलता है। लेकिन गाइस कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो रॉयल रंबल का विनर है उसने बाद में जाके रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करा, तो आखिर ये कौन से ऐसे सुपरस्टार्स हैं और आखिर क्यों उन्होंने मेनिया को मेन इवेंट नहीं करा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप एंड तक देखते रहें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये होने वाली है एक और टॉप 10 वीडियो हमारी, और अगर आप चैनल पर नए हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं ये टॉप 10 की वीडियोस हम बहुत सारी बनाते रहते हैं, 100 से भी ज्यादा हो चुके हैं अब, और उसकी प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सी नॉलेज, बहुत सी वैल्यू है इन सारी वीडियोस के अंदर, तो अगर आपने उसको चेकआउट नहीं करा तो डेफिनेटली आप जाके देखें। अब रॉयल रंबल हम बहुत सारे रेसलिंग फैंस का फेवरेट मैच होता है, मेरा भी फेवरेट मैच है, और पता नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम कि उसको जीतेगा कौन, और उसी से रेसलमेनिया का मेन इवेंट भी सेट होता है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है गाइस कि जिसने रॉयल रंबल जीती उसने रेसलमेनिया को मेन इवेंट ही नहीं करा, और हम नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे नाम आता है विंस मैकमैन का। अब विंस मैकमैन और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की जो फ्यूड थी वो 1999 में एकदम पीक पे चल रही थी, और विंस मैकमैन यहाँ पे मेक श्योर करना चाहते थे किसी भी तरीके से कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इस रॉयल रंबल को ना जीत पाए। इनफैक्ट इतना कि उन्होंने खुद को एज अ पार्टिसिपेंट डाल दिया इस मैच के अंदर, और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और विंस मैकमैन जो है इस रॉयल रंबल को गाइस स्टार्ट करते हैं। और हमको इनके बीच में कोई ऐसे नॉर्मल रेसलिंग नहीं देखने को मिली, पूरे रॉयल रंबल मैच के टाइम पे इन दोनों ने ब्रॉल करते रहे, मतलब हमें क्या क्या नहीं देखने को मिला। ऑस्टिन ने खूब ली, विंस मैकमैन को खूब पीटा, लेकिन एट द एंड गाइस यहाँ पे विंस मैकमैन की मदद करते हैं रॉक, एक डिस्ट्रैक्शन देते हैं ऑस्टिन को, और विंस मैकमैन जो है यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं ऑस्टिन को टू विन द रॉयल रंबल। तो पहली बात तो ये रॉयल रंबल जीतना विंस मैकमैन का ही बहुत बड़ी एक शॉकिंग चीज थी, और कई सारे लोगों को उस पॉइंट पे वो डिसीजन पसंद भी नहीं आया था। लेकिन उसके बाद विंस मैकमैन आके कहते हैं कि भाई मेरा इकलौता मोटिव ये था कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रॉयल रंबल ना जीत पाए, और इस वजह से गाइस वो यहाँ पे अपना ये जो नंबर वन कंटेंडर का उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है रेसलमेनिया के लिए इसको वो रिलिंक्विश करते हैं। वो कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है इस चीज से, और ऑब्वियसली इस वजह से फिर उन्होंने रेसलमेनिया को मेन इवेंट नहीं करा। और बाद में हमें देखने को मिलता है कि ऑस्टिन और रॉक का मैच रेसलमेनिया 15 में था फॉर द मेन इवेंट। अगले नाम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं गाइस शेमस, जो कि रॉयल रंबल जीते थे साल 2012 में, और उन्होंने चैलेंज करा था डैनियल ब्रायन को जो कि उस पॉइंट पे एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे। और मेन इवेंट तो दूर की बात है, यहाँ पे शेमस जो है वो ओपनिंग मैच में थे इस शो के, और उन्होंने गाइस डैनियल ब्रायन को यहाँ पे हम जानते हैं कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर हरा दिया था, और जबकि वो मोमेंट बहुत अच्छी थी, शेमस अपना वर्ल्ड टाइटल भी जीत गए थे वो भी रेसलमेनिया में। लेकिन रॉयल रंबल जीतने के बाद भाई उन्होंने मेन इवेंट के ख्वाब सजाए होंगे, और उनको यहाँ पे डाल दिया गया था पहले मैच में, तो शायद उनके हिसाब से वो चीज़ अच्छी नहीं थी। अगले नाम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती हैं गाइस आस्का, जो कि द फर्स्ट एवर विमेंस रॉयल रंबल की विनर थी, यानी कि साल 2018 में, और उसको जीतने के बाद उन्होंने चैलेंज करा था शार्लेट फ्लेयर को। अब उस पॉइंट पे शार्लेट फ्लेयर जो है काफी स्ट्रॉन्ग चैंपियन थी, उनकी लंबी रेन थी, और साथ के साथ आस्का की वो अनडिफीटेड स्ट्रीक थी। तो अगर इन दोनों चीजों को हम देखें तो डेफिनेटली WWE ने एक पॉइंट पे डिस्कस करा था कि इस मैच को हम मेन इवेंट बना सकते हैं, विमेंस के मैच को मेनिया को मेन इवेंट करते हैं। लेकिन गाइज एट द एंड ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रेसलमेनिया 34 में रोमन रेंस वर्सेज ब्रॉक लेसनर का मैच जो था वो मेन इवेंट में डाला गया, और शार्लेट और आस्का का मैच जो था वो एक्चुअली में हमें मिड कार्ड के अंदर ही देखने को मिला। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइज तो यहाँ पे आते हैं रे मिस्टीरियो, जिन्होंने जीती थी रॉयल रंबल इन 2006। उन्होंने अपनी इस विक्ट्री और नंबर वन कंटेंडर शॉट को डेडिकेट करा था एडी गरेरो को, और उनकी फ्यूड उस समय काफी कमाल की चल रही थी रैंडी ऑर्टन के साथ। लेकिन रैंडी ऑर्टन यहाँ पे फोर्स करते हैं रे मिस्टीरियो को कि तुम अपने इस नंबर वन कंटेंडर अपॉर्चुनिटी को यूज करो नो वे आउट पेपर व्यू में, और वहां पे वो गाइस एक डर्टी पिन यूज करते हैं, एक अजीब सा पिन यूज करते हैं जो कि लीगल बिल्कुल भी नहीं था, और उसकी वजह से रे मिस्टीरियो को हरा देते हैं। बाद में जनरल मैनेजर टेडी लॉन्ग को ये पता लगता है, तो वो रेसलमेनिया 22 में रे मिस्टीरियो को एक फिर से रीमैच देते हैं, लेकिन इस बार एक वन ऑन वन मैच नहीं बल्कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है जिसके अंदर कर्ट एंगल को भी डाल दिया जाता है। और ये मैच हुआ था गाइस रेसलमेनिया 22 में, और ये बिल्कुल भी मेन इवेंट में नहीं था, बल्कि ये सेवंथ मैच ऑन द कार्ड था।
तो भले ही रे मिस्टीरियो की अपॉर्चुनिटी पहले ही यूज हो गई थी, उनको यह मौका मिला एक बार फिर से टाइटल के लिए लड़ने का, लेकिन गाइज ये मैच मेन इवेंट में नहीं डाला गया। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइज, तो लिस्ट में आते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जिन्होंने 1997 की रॉयल रंबल जीती थी, लेकिन यहाँ पे भी काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सी थी क्योंकि इस मैच के अंदर ब्रेट हार्ट ने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था ऑस्टिन को, लेकिन रेफरी ने वो चीज देखी नहीं थी और एट द एंड यहाँ पे ऑस्टिन इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन जब मंडे नाइट रॉ में गाइज इस चीज को रिव्यू करा गया और देखा गया कि ये चीज सही नहीं हुई है, तो इन योर हाउस पेपर व्यू में एक फेटल फोर वे मैच सेटअप करा गया फॉर द WWF टाइटल, जहां पे ब्रेट हार्ट लड़ रहे थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर और साथ ही साथ वेडर के अगेंस्ट। और यहाँ पे इस मैच को ब्रेट हार्ट जीतते हैं, नए चैंपियन बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद ऑन द नेक्स्ट नाइट ऑन मंडे नाइट रॉ यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की वजह से ब्रेट हार्ट अपना टाइटल हार जाते हैं साइको सिड के अगेंस्ट। और इस रीजन की वजह से गाइस स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एक क्लासिक मैच सेटअप हुआ था ब्रेट हार्ट के अगेंस्ट, जो कि एक सबमिशन मैच था रेसलमेनिया 13, और ये मैच मेन इवेंट में भी नहीं था और साथ के साथ ऑस्टिन किसी टाइटल के लिए भी नहीं लड़ रहे थे क्योंकि WWE चैंपियनशिप का जो मैच हो रहा था वो अंडरटेकर वर्सेस साइको सिड था, जो कि एक्चुअली उस पेपर व्यू का मेन इवेंट भी था। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, जहां पे आते हैं अंडरटेकर, जिन्होंने जीती थी रॉयल रंबल 2007 और वो भी नंबर 30 पे आके, और इसके बाद उनके कमाल की फ्यूड स्टार्ट हुई थी बटिस्टा के साथ, जहां पे कई सारे मैचेस इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिले, उनमें से एक था रेसलमेनिया 23। और यहां पे रेसलमेनिया के अंदर जबकि अंडरटेकर ने बटिस्टा को हरा दिया, उनकी स्ट्रीक 15-0 हो गई थी, काफी अच्छा मैच था, लेकिन ये मैच जो था उसको मेन इवेंट में नहीं रखा गया था क्योंकि शायद इससे एक बड़ा मैच जो कि था शॉन माइकल्स वर्सेस जॉन सीना फॉर द WWE चैंपियनशिप, उस मैच ने मेन इवेंट करा और अंडरटेकर गाइज रनर अप थे एट रेसलमेनिया आफ्टर विनिंग द रॉयल रंबल। अगले नाम की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं गाइज एज, और ऑब्वियसली ये बात हम जानते हैं कि जैसे एज वापस आए थे साल 2020 में, बिल्कुल वैसे ही वो वापस आए थे साल 2010 में। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि एज अपना रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन उनकी एंट्री हमें देखने को मिली एज अ सरप्राइज और यहाँ पे उस रॉयल रंबल को वो जीत भी जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली हमने रेसलमेनिया 26 का रिवाइंड करा था, जहाँ पे एज और क्रिस जेरिको का मैच हुआ था फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, और वो मैच जो था एक को मेन इवेंट टाइप था क्योंकि एक्चुअल मेन इवेंट अंडरटेकर शॉन माइकल्स था और जॉन सीना बटिस्टा का भी मैच रखा गया था। तो क्योंकि उस शो में इतने सारे बड़े बड़े मैच थे, उस वजह से आई थिंक कि एज को मेन इवेंट करने का मौका नहीं मिला। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आते हैं अल्बर्टो डेल रियो, जो कि रॉयल रंबल जीते थे साल 2011 में, और एज के साथ उनका मैच होने वाला था फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। और एज एक बार फिर से अनलकी थे कि भाई इस बार मैं तो रॉयल रंबल नहीं जीता, कोई और जीता, अब तो मुझे मेन इवेंट में डाल दो। लेकिन इस मैच को रखा गया था इन द ओपनर ऑफ रेसलमेनिया 27 और एक बार फिर से एज को एक मौका नहीं मिला मेन इवेंट में जाने का, जब वो रॉयल रंबल विनर के अगेंस्ट लड़ रहे थे। और अल्बर्टो डेल रियो की किस्मत बिल्कुल शेमस की तरह थी कि रॉयल रंबल जीत के उनको ओपनर मैच मिल गया एट रेसलमेनिया। अगले नाम की हम बात करते हैं गाइस, तो यहां पे आते हैं रैंडी ऑर्टन, जो कि साल 2017 के अंदर रॉयल रंबल जीते थे और उनकी ये सेकंड विन थी इस मैच के अंदर, और यहां पे उस टाइम पे वो वायद फैमिली का पार्ट थे अगर आप लोगों को याद हो, और क्योंकि वो काफी लॉयल थे ब्रे वायद के लिए, वो कहते हैं कि मैं इस टाइटल के लिए चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि ब्रे वायद एलिमिनेशन चेंबर में WWE चैंपियनशिप जीत गए थे। लेकिन ऑब्वियसली हम रैंडी ऑर्टन को जानते हैं, ही इज द वाइपर, ही कैन स्ट्राइक एट एनी टाइम, तो रैंडी ऑर्टन वायद फैमिली पे टर्न कर जाते हैं गाइज और ब्रे वायद को चैलेंज कर देते हैं फॉर द WWE चैंपियनशिप। और इनका ये मैच जबकि मेन इवेंट में तो हमें नहीं देखने को मिला रेसलमेनिया 33, लेकिन तब भी यहां पे रैंडी ऑर्टन ने अपना 9th वर्ल्ड टाइटल कैप्चर कर लिया था फ्रॉम ब्रे वायद एट रेसलमेनिया। और फाइनली गाइज हम बात करते हैं नंबर 1 की, जो कि इस लिस्ट में आता है, वो है जॉन सीना का, क्योंकि साल 2007 में सीना इंजर्ड हो गए थे और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि कब वो वापस आ सकते हैं। सबको लग रहा था कि इस साल वो रेसलमेनिया, रॉयल रंबल सारे पेपर व्यू मिस कर देंगे, लेकिन इन द 2008 रॉयल रंबल नंबर 30 पे जॉन सीना आते हैं वापस, एक ऐसी मोमेंट जो कि रॉयल रंबल की हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट रिटर्न है। इसका भी रिवाइंड हमने करा हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि क्या मेरा उस मोमेंट पे रिएक्शन था। लेकिन सीना यहां पे आते हैं, ट्रिपल एच को बाहर करके उस रॉयल रंबल को जीत जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मुझे रेसलमेनिया तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है, और रैंडी ऑर्टन को वो चैलेंज कर देते हैं फॉर द टाइटल एट नो वे आउट, और उस मैच को जबकि वो जीत जाते हैं, लेकिन इस वजह से क्योंकि रैंडी अपने आप को डिस्क्वालीफाई करा लेते हैं, तो यहाँ पे जॉन सीना काफी ज्यादा खुंदक में आ जाते हैं और एलिमिनेशन चेंबर उसी पेपर व्यू में ट्रिपल एच जीत जाते हैं और उनको मौका मिलता है फिर लड़ने का रैंडी ऑर्टन से फॉर द टाइटल। अब ऑब्वियसली जॉन सीना एक बड़े सुपरस्टार है, तो उन्होंने कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया कि इस मैच को वो एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दें एट रेसलमेनिया। लेकिन गाइज ये मैच जो था वो मेन इवेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एज और अंडरटेकर ने रेसलमेनिया को उस
उस साल करा था मेन इवेंट। तो गाइज ये थे 10 ऐसे नाम जिन्होंने रॉयल रंबल तो जीती, उनको मौका मिलना चाहिए था टू मेन इवेंट रेसलमेनिया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। इस साल के विनर है एज और बियांका बेलेयर। तो जाते जाते मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि कौन सुपरस्टार रहेगा मेन इवेंट में। अब तो 2 नाइट्स है रेसलमेनिया में, क्या दोनों को ही मौका मिलना चाहिए? आप लोग अपने ओपिनियन मुझे कॉमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।